So very good morning to all my dear friends watching me here in the series. I hope you guys are enjoying the classroom. दोस्तों कुछ एक चीज़ें जो मैंने कमेंट्स बॉक्स में पढ़ी उसके बेसिस पे पहले क्लास में जाने से पहले मैं आपको समझा दूं कि ये बैच आप सबके लिए इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप अगर क्लास वन से मेरे साथ रहें तो बेसिक से लेके एडवांस तक की पहली आपकी जितने एग्जाम्स हैं वो कवर करेगा. वेदर यू आर स्टडिंग इन स्कूल, आई डोंट नो वॉट, मे बी यू आर स्टडिंग इन कॉलेज, आप कॉलेज फर्स्ट ईयर में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं आप. पहला तो ये सारी चीज़ें कवर करेगा दोस्तों. दूसरी चीज़ है कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के लिए स्पेशली जो लोग और तैयारी कर रहे हैं उनको भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो क्लासरूम से जुड़ें, पढ़ें आराम से. यहाँ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उस पर अच्छे से फोकस करें. यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट यू रियली नीड पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स की जो डिमांड है वो भी मैं बीच में फुलफिल करूँगा, बट एक लेवल तक तो आने दो दोस्तों, एक लेवल तक तो पहले आ जाएं हम लोग, पहले थोड़ा चलना सीख जाएं, दौड़ने में हमें आसानी होगी. अभी कुछ एक क्लासेस जो होंगी, लेट से 10-15 क्लासेस, पहले आप ये समझो कि वो बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक चीज़ें. लेकिन अगर आपने वो चीज़ें नहीं समझी तो आपको आगे चल के बहुत सारी तकलीफें हो जाएंगी इंग्लिश में और वहाँ मुझे आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा. लेकिन अगर आपने बेसिक को बहुत अच्छे से समझा है तो चीज़ें आपको इतनी आसान लगेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते. चलिए सर, दोस्तों आज जिस कैटेगरी की हम बात करने वाले हैं वो है वर्ब. और मैं फिर से आपको बता दूं कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जब वर्ब की बात आती है हम आज इसको इंडिविजुअली ऑपरेट करने वाले हैं. लास्ट क्लास में मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर हम ऑपरेशन चालू करेंगे. आज एक बेहतरीन क्लास होने वाली है जिसमें आपको थोड़ा सा एडवांस दिखने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स खुश होने वाले हैं. सबसे पहले दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज वर्ब. हम लोगों ने एक झांकी देखी और कहा कि इट इज एन एक्शन वर्ड. एक बार साथ साथ बोलते जाएंगे, पेन कॉपी लेके बैठेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा. क्योंकि फंडामेंटल अगर क्लियर करना है दोस्तों, चार पांच सवाल से नहीं होता है. यू विल गेट कन्फ्यूज इन ऑलमोस्ट सो मेनी सेंटेंसेज इफ यू कम अक्रॉस. अगर आप आएंगे तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें आप कन्फ्यूज होंगे. मैं चाहता हूं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में दूं ताकि आपके जो बेसिक हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं. सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि व्हाट इज वर्ब. वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. और शायद लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चीज और देखी कि दो कैटेगरी में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक रेगुलर है एक इरेगुलर है. एक बार फटाफट रिविजन करा देता हूं. रेगुलर वर्ब की कैटेगरी हमने देखी कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में अगर हमें मिले क्या लिखा हुआ ईडी और ईडी, तो मैं उसे क्या कह दूंगा, रेगुलर कह दूंगा. यही वहीं दूसरी तरफ अगर मुझे इरेगुलर बताना है तो तीन ऐसी कैटेगरी है जिसे मैं इरेगुलर कह सकता हूं. पहला ले सकते हैं सिट सैट सैट, दूसरा ले सकता हूं कट कट कट, और तीसरा ले सकता हूं गो वेंट और गॉन. अगर मैं बड़े ध्यान से देखूं तो इस कैटेगरी में अगर आऊं तो यहां सिट के बाद ये वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है. सेकंड कैटेगरी में आऊं तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों सेम है, और अगर थर्ड कैटेगरी में आऊं तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों डिफरेंट है. यहां तीनों सेम है और यहां वर्ब्स का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म सेम है. इन तीनों कैटेगरी को मैं किसके रेंज में लाता हूं दोस्तों, मैं इन तीनों कैटेगरी को कैटेगराइज करता हूं सिर्फ एक वर्ब में, दैट इज कॉल्ड इररेगुलर वर्ब. बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अगर मुझे वर्ब सेकंड और वर्ब थर्ड फॉर्म में ईडीडी लिखा हुआ नहीं मिला तो वो सारी कैटेगरीज जो बाकी बच गई वो सिर्फ एक कैटेगरी में आती है, दैट इज कॉल्ड इररेगुलर वर्ब. इतनी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी. एक नेक्स्ट इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैंने आपको ये तीन कैटेगरी बताई. फिर से एक चीज कह रहा हूं, मैं धीरे धीरे आपको एडवांस में लेके जाऊंगा, साथ बने रहें. चलिए इसके बाद आज जो हम लोग अब इंडिविजुअली सीखने वाले हैं वो है वर्ब की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो हमें एडवांस की इंग्लिश को समझने में कारगर साबित होगी. वो है कि हम ये पता करें कि वर्ब के दो और फॉर्म्स हैं जिसे हम कहते हैं, ध्यान से देखो, ट्रांजिटिव वर्ब. क्या कहा दोस्तों, बोल के सीखो, ट्रांजिटिव वर्ब. और दूसरी कैटेगरी को कहा इनट्रांजिटिव वर्ब. दूसरी कैटेगरी को कहा इनट्रांजिटिव वर्ब. दूसरी कैटेगरी है इंट्रांजिटिव वर्ब. अब ये दो कैटेगरी फिर से हमारे सामने आई. पूरी की पूरी एक्टिव पैसिव का फाउंडेशन ये है, जिस प्रकार एक घर का फाउंडेशन होता है न्यू, ठीक उसी प्रकार ये दोनों न्यू है. किसकी, एक्टिव पैसिव की. ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को अगर मैं देखता हूं तो शायद कुछ समझ में आ रहा है. इसमें एक वर्ड है देखो ट्रांजिटिव, और इसका मतलब कुछ एक किताबें लिखती है पासिंग ओवर. कुछ एक किताबें लिखती है इसका मतलब पासिंग ओवर. और अगर मैं इन लिख दिया, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं बहुत सारे वर्ड्स के पहले इन प्रेफिक्स लगाता हूं तो वो ठीक ऑपोजिट हो जाता है. ट्रांजिटिव का ठीक ऑपोजिट हो जाएगा. इनट्रांजिटिव का मतलब हो जाएगा अगर ये पासिंग ओवर है तो ये अपने आप हो गया नॉट
passing over. ये अपने आप में क्या हो गया दोस्तों, not passing over. अब यहां से तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार. ये कहता है पासिंग ओवर, ये कह दिया नॉट पासिंग ओवर. अच्छा एक बार फिर से फंडामेंटल में चलते हैं, कुछ समझ में आएगा. मुझे ये बताइए हम पढ़ क्या रहे हैं, एक बार बोलते जाना क्या पढ़ रहे हैं हम लोग. वर्ब हमने क्या समझा, वर्ब होता क्या, बेसिकली इट इज एन एक्शन वर्ड. आज हम दो कैटेगरी पढ़ने वाले हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. ये कहता है पासिंग ओवर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पासिंग ओवर की बात है ये इस पासिंग ओवर की बात है, अर्थात मेरे जो वर्ड्स हैं, जो वर्ब जिसे मैं एक्शन वर्ड कह रहा हूं, यही वर्ब अपने एक्शन को किसी को ट्रांसमिट कर दे. अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो लिखा मिला इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि इंट्रांजिटिव वर्ब और वर्ब में जाऊं तो वर्ब का मतलब एक्शन वर्ड, और ये अपने आप में कह रहा है कि ये ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने एक्शन को ट्रांसमिट या पासिंग ओवर नहीं करेंगे. मजे मजे में बहुत आसानी से समझ में आ रहा है दोस्तों, ये जो कैटेगरी है बेसिकली ये अपने एक्शन को, ये अपने एक्शन को किसी और को ट्रांसमिट कर देती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो अपने एक्शन को किसी को ट्रांसमिट नहीं करते. अब मैं यहां जब बोल रहा हूं कि किसी को, तो वो किसी को क्या है, ये जो किसी को है इसे हम कहते हैं, एक बार पढ़ के बताना, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. अब ये नई चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं. क्यों? क्योंकि अगर आपको ये ही नहीं पता कि ऑब्जेक्ट क्या होता है तो कैसे पता चलेगा कि इस वर्ब ने किसे ट्रांसमिट किया. क्योंकि अगर वर्ब ट्रांसमिट कर रहा है अपने एक्शन को तो किसे किसे करेगा, ऑब्जेक्ट को करेगा. अगर ये वर्ब ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक चीज फिर से समझ में आ गया कि ट्रांजिटिव वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट होगा और इंट्रांजिटिव वर्ब के पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट नहीं होगा. अब इसके पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसके पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट होगा. अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं और मैं क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि इस सवाल में कोई भी वर्ब जो उसमें मेंशन है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो आप कैसे बताएंगे? थोड़ा सोचो, कैसे बताओगे, थोड़ा सोचो, तब तक बातचीत हो जाए थोड़ी सी. कैसे बताओगे कि ये पर्टिकुलर वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? जो आ रहा है बोलो अपने आप से, अपने आप से बोलो. अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर मेरे सेंटेंस में मिल जाए ऑब्जेक्ट तो मैं समझ जाऊंगा कि वहां पर जो वर्ब है वो क्या है, ट्रांजिटिव. यहीं से अपने हाथ से पीठ थपथपा लो अपनी, क्योंकि बिल्कुल सही बोल रहे हो. फिर से समझना, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, फिर से बोल रहा हूं, जिस सेंटेंस के पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट होगा उस वर्ब को, उस सेंटेंस के वर्ब को मैं क्या कहता हूं, ट्रांजिटिव वर्ब. जिस सेंटेंस में अपने वर्ब के पास उसका खुद का ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसे मैं क्या कहता हूं, इंट्रांजिटिव वर्ब. उसे मैं क्या कहता हूं, इंट्रांजिटिव वर्ब. अब इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ एक सवाल दे रहा हूं, उन सवालों के माध्यम से हम इसको ठोस तरीके से समझेंगे. तो आ जाइए पेन पेपर लेकर रेडी हो जाइए. दोस्तों आपके पास है 5 सवाल और इन 5 सवाल में एक छोटा सा असाइनमेंट है. सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो वर्ब्स हैं, जो वर्ब्स आपको दिख रहे हैं, ये वर्ब्स ट्रांजिटिव हैं या इंट्रांजिटिव हैं. बड़े ध्यान से समझेंगे, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि ये जो वर्ब्स हैं ये ट्रांजिटिव हैं या इंट्रांजिटिव हैं, और अगर वो ट्रांजिटिव हैं तो डेफिनेटली इनके पास अपना ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट क्या है, और अगर ये इंट्रांजिटिव हैं तब तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि इनके पास अपना खुद का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा. ये आपका असाइनमेंट है, इन 5 सवालों से अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करें. पहले आप बताएंगे कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, वो वर्ब है, और अगर ट्रांजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट डेफिनेटली होगा, क्योंकि इसी को वो अपने एक्शन को ट्रांसमिट कर रहा है. तो ये बताएं कि ये ऑब्जेक्ट उसमें है क्या. मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं. दोस्तों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद परेशान हो रहे हैं, और परेशानी ये होगी कि वो शायद ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली हम ऑब्जेक्ट को, ध्यान से समझना मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कैसे करें. चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आया सबसे पहले मैंने पकड़ा क्या, वर्ब. सबसे पहले मैंने क्या देखा,
मैंने देखा वर्ब, और जब मैंने वर्ब को देखा अब मुझे डिसाइड करना है कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। और हमने अभी बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स हैं जो अपने एक्शन को ट्रांसमिट करते हैं या पास करते हैं। किसे पास करते हैं? ऑब्जेक्ट को। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब हैं जो अपने एक्शन को ट्रांसमिट या पास नहीं करते। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आई टोल्ड हिम, बड़े ध्यान से समझेंगे। आई टोल्ड हिम, इसने किसी से कहा। इस सेंटेंस में इसने, इस आई ने, इस सब्जेक्ट ने किसी से कहा। और अगर ये कहने का एक्शन है तो ये कहने का एक्शन तो किसी को ट्रांसमिट हुआ। और अगर यहां ये किसी को ट्रांसमिट हुआ, इसका मतलब दोस्तों ये जो वर्ब है ये हो गया ट्रांजिटिव। मैं शॉर्ट में लिखते चल रहा हूं, ये वर्ब हो गया ट्रांजिटिव और जिसे कहा ये हो गया अपने आप में ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। शी ऑफर्ड, वर्ब में आया, वर्ब में रुकिए। शी ऑफर्ड, ऑफर्ड किसे ऑफर किया? मुझे ऑफर किया। इसका मतलब इस एक्शन को ट्रांसमिट किया गया, तो अगर ये ट्रांसमिट किया गया तो ये ऑफर्ड अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। और जिसे ऑफर किया गया मतलब मी, ये अपने आप में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट में आते हैं, महाराणा प्रताप फॉट। बड़े ध्यान से समझना, महाराणा प्रताप फॉट ब्रेवली। दोस्तों महाराणा प्रताप फॉट ब्रेवली, क्या ये एक्शन ट्रांसमिट हो रहा है? क्या ये एक्शन किसी को ट्रांसमिट हो रहा है? यहां तो शायद ये बताने की कोशिश की गई कि उन्होंने बहुत बहादुरी से, ये वर्ड मुझे इस वर्ब के बारे में, ये वर्ड मुझे इस वर्ब के बारे में आइडिया दे रहा है कि उन्होंने कैसे लड़ाई की। उन्होंने बहादुरी पूर्वक लड़ाई की। और हमने लास्ट क्लास में सीखा है कि वर्ब के बारे में आइडिया देने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं दोस्तों? एडवर्ब कहलाते हैं, ये भी समझ में आया। लेकिन अब मेरा जो क्वेश्चन एक्चुअली यहां पर है, मुझे बताना कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। चेक किया, ये एक्शन क्या किसी को ट्रांसमिट हो रहा है? क्या एक्शन किसी को ट्रांसफर किया गया? समझ में आया कि नहीं हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो ये वर्ब अपने आप में कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इंट्रांजिटिव वर्ब का अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं। आई स्लेप्ट पीसफुली लास्ट नाइट। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे लिखा हुआ मिला स्लेप्ट, जो कि अपने आप में क्या है? वर्ब। क्या ये एक्शन किसी को ट्रांसमिट हुआ? और शायद आप देखें ध्यान से तो आपको समझ में आ रहा है कि ये एक्शन किसी को तो ट्रांसमिट नहीं हुआ। यहां सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत शांतिपूर्वक कल रात सोया। तो अगर ये किसी को ट्रांसमिट नहीं हुआ तो इस वर्ब को हम क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। और ऑब्जेक्ट के नाम पर इसके पास अपना खुद का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। माई टीचर अप्रिशिएटेड, टीचर ने अप्रिशिएट किया, टीचर ने अप्रिशिएट किया इस घटना को। देखिए कि ये ट्रांसमिट हुआ। अरे हाँ, ये तो किसी को ट्रांसमिट हुआ। किसे ट्रांसमिट हुआ? मुझे ट्रांसमिट हुआ। और अगर ये एक्शन ट्रांसमिट हुई, पास हुई किसी को, इसका मतलब ये अपने आप में क्या है? ये रहा मेरा ट्रांजिटिव वर्ब। और ऑब्जेक्ट की बात करूं तो मेरे पास है ऑब्जेक्ट के नाम पे मी। दोस्तों अगर मैं ध्यान से इन पांचों सवालों को पढ़ा तो एक बात समझ में आई, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ऑब्जेक्ट पहचानना बहुत आसान है। कैसे? किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में, अब मैं आपको एडवांस की तरफ लेके चल रहा हूँ, अच्छे से नोट करेंगे कॉन्सेप्ट को। किसी भी क्वेश्चन में अगर मुझे मिले जवाब किसका? वॉट का। किसी भी क्वेश्चन में अगर मुझे मिले आंसर किसका? व्हाट का। या मुझे आंसर मिले किसका? हुम का। तो वो अपने आप में क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मुझे किसी सवाल में लिखा हुआ मिले आंसर किसका? व्हाट का या हुम का, वही क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट। अब इस फंडामेंटल से, अभी मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया, अब बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे लेके चल रहा हूं, क्योंकि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मेरे दोस्त हैं जो मुझसे जुड़े हैं उन्हें तुरंत पता करना है, इतना टाइम नहीं है। तो दोस्तों याद रखना, अगर कोई वर्ड आपको जवाब दे व्हाट का या हुम का, तो सीधा वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? वही होगा आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आई टोल्ड हुम, आपको आंसर मिला हिम, इसका मतलब हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। चलिए सेकंड में आते हैं। शी ऑफर्ड हुम, और अगर ये हुम का जवाब दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है?
ये अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं कि महाराणा प्रताप फॉट ब्रेवली, और मैं ध्यान से देखूं तो शायद ये ब्रेवली मुझे किसका आंसर दे रहा है, ये मुझे आंसर दे रहा है हाउ का। मुझे आंसर किसका चाहिए, या तो व्हाट का या तो हुम का, ये तो मुझे व्हाट और हुम का नहीं दे रहा है, इसका मतलब यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं आई स्लेप्ट पीसफुली लास्ट नाइट, अगर मैं देखूं आई स्लेप्ट तो ये जो वर्ड है पीसफुली ये तो मुझे दे रहा है आंसर हाउ का, और अगर मैं देखूं लास्ट नाइट तो ये तो मुझे आंसर दे रहा है व्हेन का। मगर मैंने अभी अभी समझा कि अगर मुझे व्हाट और हुम का जवाब मिले तभी मैं क्या कहूंगा उसे, उसे मैं ऑब्जेक्ट कहूंगा। इसका मतलब यहां पर भी सेंटेंस में खुद का ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या कहलाया, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाया। इसके पास भी ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए क्या कहलाया, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाया। इसके पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट है इसलिए क्या कहलाया, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाया। इसके पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट है इसलिए क्या कहलाया, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाया। लास्ट क्वेश्चन में ये माय टीचर अप्रिशिएटेड मी, अगर मैं ध्यान से देखूं तो माय टीचर अप्रिशिएटेड हुम, और हुम का जवाब मुझे मिला, इसका मतलब ये वर्ब है और ये अपने आप में क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। दोस्तों बड़े मजे मजे में समझ में आ रहा है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ऑब्जेक्ट पता करना है तो सिंपली आपको ये दो सवाल पूछने हैं, व्हाट और हुम। इसे प्यार से नोट कर लें, आ रहा हूं आपके पास दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके, तैयार हो जाइए उसे सॉल्व करने के लिए। आज ही इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल परमानेंट करूंगा नेक्स्ट सेगमेंट में, नेक्स्ट एडवांस। चलो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपने इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश की होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इंप्रूव हो रही होगी। चलिए साथ साथ कोशिश करते हैं, आप अपने आंसर चेक करें। हमने अभी दोस्तों सीख लिया है, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उसको कोई भी एग्जाम टफ नहीं लगता। हमने सीख लिया अगर मुझे ऑब्जेक्ट पता करना है क्या करूंगा, व्हाट और हुम, क्या करूंगा दोस्तों, व्हाट और हुम ये मुझे पूछना है। अगर इसका जवाब मिला इसका मतलब वहां ऑब्जेक्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो है ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब ही अपने एक्शन को ट्रांसमिट करता है, और जिस पर करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं, द कस्टमर्स फॉर्म्ड, फॉर्म्ड एक वर्ब है मुझे चेक करना है, द कस्टमर्स फॉर्म्ड व्हाट। दोस्तों अप्रोच को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, इस क्वेश्चन में मैं क्या पूछूंगा, द कस्टमर्स फॉर्म्ड वर्ब मिल गया, रुक जाओ, द कस्टमर्स फॉर्म्ड व्हाट, और व्हाट का आंसर मुझे मिला ये दो, यहां तो मल्टीपल वर्ड्स मिले। अभी तक के तो मैंने शायद एक वर्ड सीखा था, ही इन्वाइटेड मी, तो बड़े ध्यान से समझेंगे, द कस्टमर्स फॉर्म्ड व्हाट, व्हाट का आंसर आपको क्या मिला, लॉन्ग लाइंस, और इसमें मेरा एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, लाइंस, और ये लॉन्ग तो मुझे इसके बारे में आइडिया दे रहा है। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत अच्छे से सीखा कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। यहां लाइंस मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहां मेरा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बारे में ये वर्ड मुझे आइडिया दे रहा है, इसलिए ये अपने आप में एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के नाम पे क्या है, लाइंस। सो द कस्टमर्स फॉर्म्ड लाइंस, आप ऐसे बोलेंगे, द कस्टमर्स फॉर्म्ड व्हाट, व्हाट का आंसर मिला लॉन्ग लाइंस, लाइंस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में आइडिया दे रहा है लॉन्ग। तो अगर आपको आंसर लिखना है तो आपका आंसर हुआ लाइंस ऑब्जेक्ट और फॉर्म्ड ट्रांजिटिव वर्ब। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, दूसरे में आते हैं, द हैप्पी विलेजर्स डांस्ड, मुझे वर्ब मिल गया, रुकना है, द हैप्पी विलेजर्स डांस्ड व्हाट, व्हाट का आंसर तो मिला नहीं, द हैप्पी विलेजर्स डांस्ड हुम, हुम का भी आंसर नहीं मिला। चलिए फिर से चेक करते हैं, द हैप्पी विलेजर्स डांस्ड, शायद ये इन द स्ट्रीट मुझे किसका जवाब दे रहा है, वेयर का जवाब दे रहा है, और मुझे किसका जवाब चाहिए, व्हाट या व्हेन का चाहिए, व्हाट या व्हेन का आंसर तो मिला नहीं। इसका मतलब डांस्ड इस सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब के रोल में है, और अपने ऑब्जेक्ट की बात करूं तो चूंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है इसके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके पास अपना कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। बात करते हैं तीसरे सवाल की, मिस्टर वर्माज कैट वॉच्ड, मिस्टर वर्माज कैट वॉच्ड मुझे मिला वर्ब। अब आगे देखो, मिस्टर वर्माज कैट वॉच्ड व्हाट, मिस्टर वर्माज कैट वॉच्ड मुझे लिखा हुआ मिला द बर्ड्स, द इसे मॉडिफाई कर रहा है, मेरे पास ऑब्जेक्ट के नाम पे मिला बर्ड्स,
दोस्तों ऑब्जेक्ट के नाम पे क्या मिला? बर्ड्स. और अगर मैं बात करूं वॉच्ड की, तो वॉच्ड अपने आप में क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है. नेक्स्ट में आते हैं, वी विल नॉट बाय अ न्यू कार. चलिए, वी विल नॉट बाय व्हाट, तो मुझे लिखा मिला अ न्यू कार. मुझे लिखा मिला अ न्यू कार. और अगर ये व्हाट का आंसर दे रहा है, इसका मतलब तो ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट के नाम पे मिला कार, ये न्यू इसे मॉडिफाई कर रहा है. ये न्यू अपने आप में एडजेक्टिव है. कार हुआ मेरा ऑब्जेक्ट. और अगर मैं बाय की बात करूं, तो ये अपने आप में इस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब के रोल में है. Have you ever explored a cave? चलिए फिर से देखते हैं. Have you ever explored what? आपको आंसर मिला a cave. इसका मतलब केव मिला मुझे ऑब्जेक्ट, और एक्सप्लोर्ड अपने आप में है ऑब्जेक्ट. और अगर मैं बात करूं केव की, तो केव मिला मुझे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट. डू यू प्ले मुझे मिला वर्ब. सो डू यू प्ले व्हाट? व्हाट का आंसर मिला मुझे टेनिस. इसलिए टेनिस अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट. और अगर ऑब्जेक्ट है, तो इसके पहले जो वर्ब है वो अपने आप में क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब हुआ. चलिए नेक्स्ट में आते हैं. आफ्टर द इलेक्शन द प्राइम मिनिस्टर असेंबल्ड हिज कैबिनेट. आफ्टर द इलेक्शन द प्राइम मिनिस्टर असेंबल्ड, मुझे मिला वर्ब. वर्ब ही तो चेक करना है. चलिए क्वेश्चन पूछिए. आफ्टर द इलेक्शन द प्राइम मिनिस्टर असेंबल्ड व्हाट? तो आपको जवाब मिला हिज कैबिनेट. कैबिनेट हुआ अपने आप में ऑब्जेक्ट. कैबिनेट हुआ अपने आप में ऑब्जेक्ट. और बड़े ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ कैबिनेट ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है हिस. यहाँ पर हिस एडजेक्टिव है. आगे जब एडजेक्टिव में आएंगे, बिल्कुल ऑपरेट करके बताऊंगा. सो कैबिनेट असेंबल्ड के बाद मिला व्हाट? असेंबल्ड हिस कैबिनेट. कैबिनेट हुआ मेरा ऑब्जेक्ट. ये इसे मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में आइडिया दे रहा है हिस. इसलिए हिस क्या हुआ? एडजेक्टिव. ऑब्जेक्ट ये है, और असेंबल्ड अपने आप में हुआ ट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट में आता हूं. योर फ्रेंड टॉम हैज अ वेरी नाइस जॉब. सो योर फ्रेंड टॉम हैज व्हाट? तो आप आंसर देंगे अ वेरी नाइस जॉब. तो हैज, बड़े ध्यान से समझना. योर फ्रेंड टॉम हैज व्हाट? व्हाट का आंसर मिला अ वेरी नाइस जॉब. इसका मतलब नाइस सॉरी जॉब है मेरा अपने आप में ऑब्जेक्ट. और हैज यहां है ट्रांजिटिव वर्ब के रोल में. दोस्तों अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, चीज़ें आपको बहुत आसान लगेगी. फिर सर चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपने क्वेश्चंस में अपनी कलाकारी करी ली होगी. अब थोड़ा समझते हैं. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से आते हैं. डिड यू टेक राहुल एट द कॉन्सर्ट? क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो सबसे पहले मुझे वर्ब फाइंड आउट करना है. वर्ब लिखा हुआ मिला मुझे टेक. नाउ डिड यू टेक व्हाट? डिड यू टेक व्हाट का आंसर तो नहीं मिला, लेकिन डिड यू टेक हुम? क्योंकि मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे व्हाट और हुम के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले मुझे डिड यू टेक व्हाट, मुझे कोई जवाब नहीं मिला. डिड यू टेक हुम? हुम का अब मुझे आंसर मिला, और राहुल के नाम पे मिला. इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? राहुल. और ये ऑब्जेक्ट हुआ, और टेक की बात करूं, तो टेक अपने आप में क्या मिला? ट्रांजिटिव हुआ. ट्रांजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि यहां मुझे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिला. कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये एट द कॉन्सर्ट क्या है. दोस्तों ध्यान समझो, एट द कॉन्सर्ट मुझे बता रहा है डिड यू टेक राहुल वेयर. ये वेयर का आंसर दे रहा है, ठीक है. जो हाउ व्हेन और वेयर का आंसर दे वो ऑब्जेक्ट नहीं होता. मैं यहां लिख देता हूं, जो हाउ व्हेन और वेयर का आंसर दे वो ऑब्जेक्ट नहीं होता. चलिए नेक्स्ट में आते हैं. आई मस्ट बाई न्यू बूट्स, मुझे मिला लिखा हुआ वर्ब बाय. मैंने चेक किया आई मस्ट बाय व्हाट, मुझे आंसर मिला न्यू बूट्स. बूट्स मेरा हुआ ऑब्जेक्ट. ये न्यू यहां इसे मॉडिफाई कर रहा है. मल्टीपल वर्ड्स मिलते हैं दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है. कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. यहां लिखा मिला मुझे आई मस्ट बाय व्हाट. व्हाट में तो आंसर आया न्यू बूट्स. ऑब्जेक्ट क्या है? बूट्स. ये तो उसे मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में मुझे आइडिया दे रहा है. ये अपने आप में एडजेक्टिव है. अब तो ये आप समझ ही गए होंगे, हम लोगों ने पीछे की वीडियोस में पढ़ा है. सो ये नाउन है, नाउन के बारे में आइडिया दे रहा है. तो ये हुआ अपने आप में एडजेक्टिव. सो आई मस्ट बाय न्यू बूट्स, तो मेरा ऑब्जेक्ट हुआ बूट, और इसलिए बाय क्या हुआ अपने आप में? ट्रांजिटिव वर्ब हुआ. नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों. द ट्रेन टू दिल्ली इज डिलेड, लिखा हुआ मिला वर्ब के नाम पे इज डिलेड. चलिए चेक करता हूं. द ट्रेन टू दिल्ली इज डिलेड व्हाट? व्हाट का आंसर नहीं मिला. द ट्रेन टू दिल्ली इज डिलेड हुम? हुम का आंसर भी नहीं मिला. और अगर मुझे आंसर नहीं मिला,
ऑब्जेक्ट का, इसका मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और अगर इसका इसका इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये अपने आप में इनट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में आएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। द शिप हेल्ड द एम्परर एंड हिज स्टाफ, लिखा हुआ मुझे मिला वर्ब हेल्ड, लिखा हुआ मुझे वर्ब मिला हेल्ड। द शिप हेल्ड व्हाट का आंसर नहीं मिला। नेक्स्ट चेक करता हूं, द शिप हेल्ड हुम, हुम का आंसर मिल रहा है। द शिप हेल्ड, एक मिला द एम्परर और दूसरा मिला हिज स्टाफ। अब बड़े ध्यान से समझूं तो यहां से मुझे ऑब्जेक्ट मिला एम्परर और यहां से मुझे ऑब्जेक्ट मिला स्टाफ, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स तो इसके बारे में मुझे आइडिया दे रहे हैं, अर्थात ये अपने आप में क्या होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट के नाम पे यहां दो हैं, एक स्टाफ और दूसरा एम्परर, और ये जो हेल्ड है ये हुआ मेरा ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आई हैव सीन, लिखा हुआ मिला वर्ब आई हैव सीन। आई हैव सीन व्हाट, I have seen many different styles of boots. ये पूरा लिखा हुआ मिल रहा है, बड़े ध्यान से समझें। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पे, मैं बात कर रहा हूं स्टाइल की, कि बहुत तरीके के चीजें हैं जो मुझे समझ में आ रही है। I have seen many different styles. ये तो इसे मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के नाम पे मिला लिखा मुझे क्या, स्टाइल्स, और आई हैव सीन अपने आप में इस सेंटेंस में ट्रांजिटिव रोल के ट्रांजिटिव रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट में आते हैं, अवर कैंप लीडर टोल्ड अस घोस्ट स्टोरीज, अगर मैं ध्यान से समझूं तो अवर कैंप लीडर टोल्ड व्हाट, यहां मिला मुझे वर्ब, व्हाट पे आएगा घोस्ट स्टोरीज, स्टोरीज हुआ मेरा ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि घोस्ट तो इसे मॉडिफाई कर रहा है, घोस्ट अपने आप में यहां पर क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। सो अवर टोल्ड, अवर कैंप लीडर टोल्ड व्हाट घोस्ट स्टोरीज, ये मिला मुझे ऑब्जेक्ट, और टोल्ड अपने आप में क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट में आते हैं, मेनी स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स लिव इन द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, सो मेनी स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स लिव, मेनी स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स लिव व्हाट, व्हाट का आंसर नहीं मिला। मेनी स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स लिव होम, होम का भी आंसर नहीं मिला। मिल क्या रहा है, इन द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, और शायद इन द ओशंस किसका आंसर दे रहा है, ये तो वेयर का आंसर दे रहा है, और अगर ये वेयर का आंसर दे रहा है तो इसके पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये जो लिव है यहां ये इन ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में आ गया। मैं आशा करता हूं आज की इस वीडियो में हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि वर्ब की जो दो कैटेगरी है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, हम ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत इजी है दोस्तों, सिंपली याद रखना, एक फाइनल टच दे रहा हूं, किसी भी सेंटेंस में वर्ब को पकड़ो, वर्ब के बाद क्वेश्चन पूछो व्हाट या होम का, अगर मुझे व्हाट या होम का आंसर मिल रहा है दैट मीन्स देयर इज एन ऑब्जेक्ट, अगर मुझे व्हाट या होम का आंसर नहीं मिला दैट मीन्स देयर इज नो ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब है, अगर ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अपने कमेंट्स जरूर दें, आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है, मुझे एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। आप रेगुलर टच पे रहें, आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें मैं लाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समय के बाद आपको बहुत एडवांस में लेके जाना है। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।